तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। तो फ्रेंड्स देखिए अभी साइड इंडिकेटर जो साइड टर्निंग लाइट है वो एक साइड का बढ़ रहा है, राइट साइड का वो भी फ्रंट का भी बढ़ रहा है और रियर का भी बढ़ रहा है। अब रियर का भी जल रहा है, बिलिंग कर रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे चारों इंडिकेटर तो एक साथ बिलिंग करते रहता है। पर उसमें सिंपल सा आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसी तरह से आपको चारों इंडिकेटर देखने को मिला होगा कि बिलिंग करते हैं, लेकिन ऐसा मुझे इस बाइक में इंडिकेटर का कनेक्शन बिल्कुल नहीं करना है, कुछ यूनिक करना है। मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाएंगे बाइक में वायरिंग कैसे कंप्लीट करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाइक का जो है फ्रंट से वाइजर को ओपन करना पड़ेगा, चलिए हम वाइजर को फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरे पास नोक्सी कंपनी का 1000 फ्लैशर है, इसका वायरिंग आपको वायरिंग करना है इसका सिंपल आसान है, ये आप खुद से घर पर भी कर सकते हैं। जब भी आप बाइक का वायरिंग करें तो बाइक का इग्निशन ऑफ करके बाइक का वायरिंग का काम करें, जिस तरह से हम बतला रहे हैं आप उसी तरह से वायरिंग कीजिएगा। वायरिंग को आप गलत वायरिंग हो जाएगा आपका बाइक का तो बाइक में शॉर्ट सर्किट होने का चांसेज बढ़ जाएगा और आपका बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगा, फिर आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। तो इग्निशन ऑफ करके जिस तरह से हम बतला रहे हैं आप उसी तरह से वायरिंग कीजिएगा। किल स्विच का जो मेन वायर है, किल स्विच का जो मेन वायर है, इस वाले कपलर को आपको ओपन कर लेना है यहाँ से। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर का जो एक वायर देख रहे हैं और ये जो आप देख रहे हैं ग्रे कलर का, इस दोनों वायर में जो नोक्सी फ्लैशर जो है ये 1000 फ्लैशर नोक्सी कंपनी का, इसका इसमें ये दोनों जो येलो कलर का वायर है कवर को सेट कर लेना है, इस वायर को आपको छील लेना है। फिर उसके बाद एक वायर आपको ये जो देख रहे हैं आप ग्रे ब्लू कलर का और एक जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रे कलर का, इस दोनों वायर में आप इधर से इस वाले कपलर में आपको इसको फिट करना है, फिर आपको एक वायर को यहाँ पे फिट करना है इस तरह से। फिर उसके बाद इस कपलर को इसके अंदर आपको फिट कर देना, वायरिंग को कहीं से भी आपको कट नहीं करना है। अगर आपको नॉर्मली जो वायर 1000 फ्लैशर फिट करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इसका जो दोनों वायर है 1000 फ्लैशर का येलो कलर का, एक वायर आपको लेफ्ट साइड के इंडिकेटर में दे देना है और दूसरा वायर जो है सो राइट साइड के इंडिकेटर में दे देना है। तो अभी हमने इस बाइक में एक वायर जो है सो लेफ्ट साइड के इंडिकेटर में दिया, दूसरा वायर जो है सो राइट साइड में दिए हैं, बाकी जो बच गया रेड और ब्लैक, तो ब्लैक को जो कहीं पर भी आप ग्राउंड दे देना है, बॉडी अर्थ दे देना है। और ये जो आप देख रहे हैं एक रेड कलर का वायर, इसके लिए आपका जो किल स्विच आपको अलग से फिट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने इस बाइक में किल स्विच यहाँ पे प्रॉपर फिट कर लिया है। आप जब भी बाइक में किल स्विच फिट करें तो आप यहीं पे किल स्विच फिट करें। इस किल स्विच का जो दो वायर है यहाँ पे, दोनों वायर आपको इस दोनों वायर में नहीं ज्वाइंट कर देना है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को कहीं से भी आप स्किप नहीं कीजिएगा। किल स्विच का जो एक वायर है वो आपको इस रेड वाले वायर में यहाँ पर आपको ज्वाइंट करना है, रेड वाले वायर में अच्छा से टेपिंग कर लेते हैं यहाँ पे। हम इसमें ज्वाइंट किए हैं येलो कलर का, उस दोनों वायर को यहाँ पे अच्छा से टेपिंग कर लेंगे। अब जो बाकी बच गया है किल स्विच का एक वायर और एक ये 1000 फ्लैशर का ब्लैक वाला जो 1000 फ्लैशर का ये वायर है, इसको आपको ग्राउंड दे देना है, बॉडी और दे देना है। किल स्विच का जो एक वायर है, अगर आपके पास इस तरह का डीसी टेस्टर है तो आप डीसी टेस्टर ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डीसी टेस्टर का यूज करूँगा कि मल्टीमीटर चलाने में हर किसी मैकेनिक को प्रॉब्लम होता है। अगर कस्टमर के पास, हर एक कस्टमर के पास मल्टीमीटर भी नहीं रहता है तो इग्निशन देखिए यहाँ पर इग्निशन ऑन करने के बाद जिस वायर में यहाँ पर करंट आ रहा है प्रॉपर, देखिए जैसे कि ये वाला जो वायर आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्राउन कलर का ये वायर जो देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इग्निशन ऑन करने के बाद प्रॉपर लाइन आ रहा है यहाँ पर। इग्निशन ऑफ कर रहे हैं इसमें लाइन आना बंद हो जाता है, करंट आना प्रॉपर बंद हो जाती है। इग्निशन ऑन किए करंट आ गया। इस वाले वायर में किल स्विच का जो एक वायर है उसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। इस कपलर को हम खोल करके बाहर निकाल लेते हैं और इस वायर को यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देते हैं इस तरह से। फिर इस कपलर को प्रॉपर आपको फिट कर देना है। कपलर फिट हो गया। अब जो 1000 फ्लैशर का एक वायर बच गया, इसको आप कहीं पे भी एक ग्राउंड दे देना है, बॉडी अर्थ दे देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए ये जो 1000 फ्लैशर था इसमें जो ब्लैक कलर का जो वायर था एक ग्राउंड था, इसमें हमने दूसरा वायर जोड़ कर इसको थोड़ा लंबा कर लिए हैं। और ये जो 1000 फ्लैशर है इसको आप इस कवर में, जहाँ पे सॉकेट को समेटने के लिए कवर दिया गया, आप इस कवर के अंदर
हज़ार फ्लैशर को आप प्रॉपर फिट कर सकते हैं। ये वाटर प्रूफ है, इसमें पानी जाने का कोई भी चांसेज नहीं है, इसके अंदर वाटर जाने का कोई चांसेज नहीं है। तो अभी हम इसमें बाइक में वाइजर को फिट कर लेते हैं, फिर आपको दिखला रहे हज़ार फ्लैशर वर्क कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इस बाइक में 16 मॉडल का भी हम आपको इंडिकेटर जला करके दिखलाएंगे, वो भी एक हज़ार फ्लैशर के साथ। तो फ्रेंड देखिए, ये हज़ार फ्लैशर का जो ग्राउंड है वो हम देंगे इस इंडिकेटर के वायर में, वो भी ये ब्लैक पे जो येलो कलर का आपको लकीर दिख रहा है, पीला कलर का इस वाले वायर में आपको इस सॉकेट में आपको यहाँ से ज्वाइंट करना है। यहाँ पे फिर आपको अच्छा से थोड़ा टेपिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, हज़ार फ्लैशर का जो वायरिंग था हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम इस भाइजर को बाइक में कर रहे हैं फटाफट से फिट, फिर उसके बाद आपको इंडिकेटर जला करके दिखलाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस बाइक का भाइजर जो है सो प्रॉपर टाइट कर हज़ार फ्लैशर आपको जला करके दिखला रहे हैं। इस बाइक के वायरिंग में हमने तीन चार चीज़ चेंजेस किए हैं। अगर उस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि ये चीज़ आप लोगों को जानकारी मिल जाए। तो फ्रेंड्स चलिए, अभी हम बात करें तो हज़ार फ्लैशर को आपको जला करके। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हज़ार फ्लैशर इंडिकेटर का एक किल स्विच लगा हुआ है यहाँ पे। चलिए हम इग्निशन ऑन कर रहे हैं यहाँ पे, और आपको दिखला रहे हैं हज़ार फ्लैशर कैसे बिलिंग करे। देखिए जैसे हम स्विच को ऑन किए, कुछ इस प्रकार आपको इंडिकेटर देखने को मिल रहा होगा। देखिए किस तरह से इंडिकेटर बिलिंग कर रहा है। फिर आपको हम हज़ार स्विच जो लगा है किल स्विच, उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह का जलने लगा, फिर ऑन ऑफ कीजिएगा तो कुछ इस तरह का आपको बिलिंग करेगा, फिर ऑन ऑफ कीजिएगा कुछ इस तरह का आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा, फिर ऑन ऑफ कीजिएगा कुछ इस तरह का आपको जलेगा। आप ऑन ऑफ करते रहिए किल स्विच को, अलग अलग प्रकार का आपको इंडिकेटर जलते रहेगा। देखिए टोटल इसमें 16 मॉडल का आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा। जितना बार आप किल स्विच को ऑन ऑफ कीजिएगा उतना मॉडल आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा। जैसे कि ये देखिए, इसके अंदर ये पार्किंग लाइट जो लगा है दो ठो यहाँ पे, इस लाइट को हमने डायरेक्ट किए हैं, ताकि पहले जो है सो बाइक जो है सो स्टार्ट होता था तो बाइक का हेडलाइट भी बिलिंग कर रहा था और ये पार्किंग लाइट भी बिलिंग कर रहा था। लेकिन अभी इसमें वैसा वायरिंग नहीं है, जो कंपनी से लग करके आया था उसको हमने डिसकनेक्ट करके इसमें इग्निशन से डायरेक्ट वायरिंग दिए हैं। अगर इस टॉपिक का वायरिंग तो फ्रेंड्स हमने इस बाइक में इग्निशन से डायरेक्ट वायरिंग दिया। जैसे ही बाइक का इग्निशन ऑन कीजिएगा तो दोनों पार्किंग लाइट आपको बिलिंग करने लगा जलने लगेगा। जैसे कि अपाचे आरटीआर बाइक में आप देखिए, जैसे इग्निशन ऑन करता है तो पार्किंग लाइट जो है सो बिलिंग करने लगता है, उसी तरह से इस बाइक का इग्निशन ऑन कीजिएगा तो दोनों पार्किंग लाइट जो है सो बिलिंग करने लगेगा। और दूसरा जो हमने चेंजेज किया है इसका वायरिंग, हेडलाइट क्या ऑफ कर दिया है यहाँ पे। पहले से हेडलाइट डायरेक्ट किया गया था, जब भी बाइक को स्टार्ट करता था तो हेडलाइट जलने लगता था। इस हेडलाइट का कनेक्शन हमने डिसकनेक्ट करके हेडलाइट को ऑफ कर दिया है। अगर आप लोगों को भी हेडलाइट ऑन ऑफ करने के टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग भी हज़ार फ्लैशर बाइक में फिट करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हज़ार फ्लैशर का आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से आपको हज़ार फ्लैशर और ये किल स्विच दोनों आपको एक साथ मिल जाएगा, और आपको बहुत कम रेट में आपको मिल जाएगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं हज़ार फ्लैशर।